सो हेलो एवरीवन स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों जब सभी लोगों के जो भी लोग सी कांस्टेबल फायरमैन के फॉर्म को फिलअप किए हैं उन सारे लोगों में से दोस्तों बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर जो सी आई एस का फिजिकल होने वाला है तो उस टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको लेकर के जाने हैं क्योंकि दोस्तों जो आपका फिजिकल होगा उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा और वहीं पर आपका डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है ठीक है और फिजिकल का दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड है वो टेन डेज़ बिफोर आपका एग्जामिनेशन आएगा जैसा कि ये नोटिफिकेशन में मैंशन किया गया है यानी टेन डेज बिफोर जब आपका ट कर रहेगा तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा ठीक है नहीं दस दिनों के बाद फिजिकल होगा और आपको जो डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसेस है वहीं पर किया जाएगा मीन्स कि ऑन द स्पॉट किया जाएगा यानी जब आपका फिजिकल हो जाएगा फिजिकल हो होने के बाद आपका फिर वहीं पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मीन्स की आपका जो चेस्ट वगैरह सारा चीज़ मैंसन किया जाएगा मीस की मेजरमेंट किया जाएगा और ठीक उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसेस होगा तो इस वजह से अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं किए तो जल्दी से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के नहीं जाओगे तो फिर वहां से आपको आउट कर दिया जाएगा ठीक है तो इस वजह से मैं दोस्तों मैं आपकी के लिए स्पेशल वीडियो लेकर जिसमें कि टो, आ, टोटली हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट तो कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे और जितने से जुड़ी हुई सबसे पहले मिले तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं उन सारे लोगों को जो भी लोग सी आई सी कॉन्स्टेबल फायरमैन के जो आपका फॉर्म है उसको फिलअप किए हैं उन सारे स्टूडेंट्स को दोस्तों मैं बता दूं कि आपका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस सबसे पहले दोस्तों आपका क्या होगा कि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा ठीक है फिजिकल दूसरे में आपका होगा वहीं पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें कि आपके जो चेस्ट होगा हाइट होगा ये सारा चीज़ मैंसन किया जाएगा मैं मेजरमेंट किया जाएगा और तीसरे पे है आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन चौथे पे है आपका सी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पाँचवें पे है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और छठे पे है आपका ज्वाइनिंग ठीक है तो ये प्रोसेस रहने वाला है अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में क्योंकि दोस्तों डॉक्यूमेंट अगर आप अभी नहीं प्रिपेयर करोगे तो फिर आपको समस्या आएगी आपके जो सिलेक्शन में ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो छठा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है आपका एनएक्स सिक्स इसमें आपका मैंसर किया गया है डायरेक्ट सारा चीज़ों के बारे में कि प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स को प्रिपेयर करना है इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों जानते हैं सबसे पहले जो भी कैंडिडेट्स ए सी एस टी और ई e कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये सारे कैंडिडेट्स को अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये प्रिपेयर होना चाहिए आपके पास ठीक है अगर आपने फॉर्म भरते समय एस सी एस टी या फिर ई e चूज किया है जनरल को छोड़ करके तो दोस्त आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है मीनस की जो आपका डॉक्यूमेंट है ए सी एस का ये आपको प्रिपेयर होना चाहिए पहले नंबर पर अगर आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया तो जल्दी से प्रिपेयर कर लो ठीक है दूसरे नंबर पर क्या रहना चाहिए आपका तो दूसरे नंबर पर दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका ठीक है डोमिसाइल सर्टिफिकेट ट यानी निवास प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र दोस्तों आपका परमानेंट होना चाहिए मीन्स की परमानेंट जो आप जहाँ पे रह रहे हो ठीक है या फिर आप परमानेंट जहाँ पे आपका घर वगैरह है वहाँ से आपका सर्टिफिकेट बना हुआ रह, होना चाहिए वो भी वैलिड ऑथोरिटी के साथ में ठीक है थीके? और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की गई है कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स जो है ऑथोरिटी से मीन्स की एक जो वैलिड ऑथोरिटी है उससे बना हुआ होना चाहिए और जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा डॉक्यूमेंट प्रोसेस होगा तो वहाँ पर जो आप डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे तो वहाँ पे आपका जो कैंडिडेटचर रहेगा यानी कि आप जो कैंडिडेटचर रहोगे आपका वहां पे बरकरार रहेगा लेकिन प्रोविजनली जब तक कि जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है जब तक वो वेरीफाई नहीं हो जाए अगर मान लो आपने डॉक्यूमेंट दे दिया तो आपको तो वेरीफाई कर लिया जाएगा लेकिन अगर आप सी यानी आपका रिटर्न हो जाता है फिर लास्ट में जब डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो आपके से आपके यशू किए गए हैं वहाँ से जा करके वेरीफाई कराया जाएगा अगर मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट इधर उधर होता है तो फिर आपको वहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा ये सारा चीज आपको नोटिफिकेशन में मैंशन किया गया है ठीक है इसके बाद दोस्तों आपका जो भी कैंडिडेट्स कास्ट सर्टिफिकेट से, से बिलोंग करते हैं जैसे कि आपके एस सी एस टी ओ बी सी इनको ये प्रिपेयर होना चाहिए ठीक है बोस् बोथ कास्ट और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये आपका बना हुआ होना चाहिए ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में ठीक है बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि ऐसे लाइन बाई लाइन बताने में दिक्कत होगी तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं पहला नंबर पर है आपका पैन कार्ड ठीक है पैन कार्ड पैन कार्ड आप ले लोगे अगर आपके पास है तो और आपके पास होना भी चाहिए क्योंकि आप एटीन प्लस हो चुके हो और अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपका आधार कार्ड तो मस्ट होना चाहिए अगर पैन कार्ड नहीं है तो भी चल जाएगा लेकिन अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपको फिर आउट कर दिया जाएगा ठीक है अब दूसरे नंबर पर कौन सा डॉक्यूमेंट्स है तो दूसरे नंबर पर है दोस्तों आपका फोटोग्राफ्स ठीक है फोटोग्राफ्स कौन से तो फोटोग्राफ्स वो जो कि आपके फॉर्म भरते समय आपने जो फोटोग्राफ्स लगाए थे उन सारे फोटोग्राफ्स को मीन्स कि उसमें से दो फोटोग्राफ्स को आपको कैरी करना है जो फोटो आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया था ठीक है तीसरे नंबर पर है आपका टेन थ ट्थ का जो मार्कशीट है टेंथ का टेंथ का ट्वेल्थ का अगर हुआ तो ठीक है नहीं तो टेंथ के ऊपर फॉर्म था तो आपका टेंथ का जो मार्कशीट है मार्कशीट इसमें आपका जो एडमिट कार्ड है उसको ले लोगे आप टेंथ का और आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट था मीनस इसमें रजिस्ट्रेशन आपका हुआ था टेंथ वाला यानी नाइन्थ में हुआ होगा तो उसका सर्टिफिकेट आप ले लोगे ठीक है इसके बाद आपका चौथे नंबर पर कौन सा डॉक्यूमेंट है तो चौथे नंबर पे आपको डोमिसाइल अपना तैयार रखना है यानी निवास प्रमाण पत्र निवास आपको तैयार कर लेना है पांचवें नंबर पे है आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र ठीक है और छठे नंबर पे है आप अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास अगर मान लो आपने किसी फील्ड में फायरमैन में अगर आपने एक्सपीरियंस कहीं से प्राप्त कर रखा है तो आप उस सर्टिफिकेट को लगा दोगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा ठीक है सातवें नंबर पर है जो रिजर्वेशन चाहते हैं कैंडिडेट्स हाइट वगैरह में जैसे आसाम वगैरह का हो होगा कैंडिडेट्स तो इन सारे कैंडिडेट्स जो हैं जो भी वैलिड अथॉरिटी है जैसे डी वगैरह से आप अपना सर्टिफिकेट जो है प्रिपेयर करवा लोगे ठीक है इसके बाद है आठवें नंबर पर जो भी एक्स सर्विस मैन है मीन्स की जो भी एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स हैं जिनका भी आर्मी या फोर्स ने भी जिन्होंने डिस्चार्ज किया गया है तो जो उनका डिस्चार्ज बुक होगा उसको आप कैरी कर लोगे आप जब डिस्चार्ज सर्विस छोड़ते हो तो आपको डिस्चार्ज बुक मिलता है तो आपको डिस्चार्ज बुक लेकर के वहां पर जाना होगा ठीक है तो दोस्तों ये बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स थे मैंने बता दिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होने चाहिए क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है अगर एडमिट कार्ड आएगा तो आपका टेन डेज बिफोर आपके एडमिट कार्ड आएगा मीन्स के फिजिकल के तो दस दिनों में ये दो तीन सर्टिफिकेट जो है वो बनने मुश्किल हैं तो आप इस वजह से सारे डॉक्यूमेंट्स को बना लोगे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों जो होंगे ये ओरिजिनल फॉर्मेट में होंगे ठीक है ओरिजिनल आपको लेकर के जाने हैं कोई भी फोटो कॉपी वगैरह लेकर के नहीं जाएगा क्योंकि इस चीज़ के बारे में भी मैंशन किया गया है आपके सेक्शन टेन में आपके सेक्शन जो टेन है इसमें मैंशन क्लियरली किया गया है कि जब आप एग्जामिनेशन दोगे तो यहां पर यहाँ पर देख सकते हो आप कि आपका पी होगा पी होगा वेरियस सिक्योरिटी टेस्ट और डॉक्यूमेंट विल बी अंडर ठीक है और डॉक्यूमेंट एट द टाइम मीन्स के डॉक्यूमेंट जो है वहीं पर आपके ले लिए जाएंगे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे वहीं पर ले लिए जाएंगे और वहीं पर, पर वेरीफाई कर दिया जाएगा ठीक है यानी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन आपका फिजिकल के टाइम पर ही होगा तो इस वजह से सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर लोगे और जब आपका फिजिकल होगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओगे ठीक है तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और अगर आगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा की से जुड़ी हुई क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस सेट हम रोज लेकर के आ रहे हैं आपके लिए जिससे कि आप अपने रिटर्न एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सको तो उम्मीद करता हूं दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मिलते हैं तब तो तक धन्यवाद